my name is Kanchan and welcome back to a new lesson. Friends, today we are gonna learn about question tag. Question tag is a short question. Question tag को किसी सेंटेंस या स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है जो उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन टैग का यूज तब किया जाता है जब हम किसी बात की कन्फर्मेशन चाहते हैं कि क्या ऐसा ही है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि वो एक टीचर है ना, तो हमने एंड में कहा है ना, वही क्वेश्चन टैग है जो हमने सेंटेंस के एंड में लगाई कन्फर्म करने के लिए क्या वो टीचर ही है. सिंपल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा लेसन है क्वेश्चन टैग के बारे में. पर सबसे पहले हम दो शॉर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे इट्स. इट्स में पहले आएगा इट, देन ऊपर की तरफ पंक्चुएशन मार्क जिसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, देन एस. इट्स, इट्स का मतलब होता है इट इज. इट इज की शॉर्ट फॉर्म है इट्स. सेकेंड है इजंट, जिसमें पहले आएगा आई एस एन, ऊपर की तरफ पंक्चुएशन मार्क मीन्स एपोस्ट्रॉफी, देन टी. Isn't means is not. तो ये दो शॉर्ट फॉर्म्स हैं. ना हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग की. जैसे कि हमने कहा कि आज फ्राइडे है ना, तो हमने पूछा आज फ्राइडे है, देन है ना, यानी कि हमने लास्ट में है ना वर्ड का यूज किया ये कन्फर्म करने के लिए क्या आज फ्राइडे ही है. अब ये हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे कि इट इज फ्राइडे टूडे, आज फ्राइडे है, देन isn't it, है ना, सिंपल. तो इस तरीके से हमने कहा इट इज फ्राइडे टूडे, ये है हमारी स्टेटमेंट, आज फ्राइडे है, देन isn't it, है ना, ये है हमारा क्वेश्चन टैग. यहाँ पे isn't it एक क्वेश्चन टैग है. और अगर हमने कहा कि आज फ्राइडे नहीं है, है ना, अब हम इसे कैसे बोलेंगे, इट इज नॉट फ्राइडे टूडे, इज इट, है ना. तो ये हो गया हमारी स्टेटमेंट, इट इज नॉट फ्राइडे टूडे, आज फ्राइडे नहीं है, देन हमने कहा इज इट, है ना, सिंपल. तो क्वेश्चन टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है देन हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा. जैसे हमने अभी देखा इट इज फ्राइडे टूडे, हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, आज फ्राइडे है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग था वो क्या था, इजंट इट, यानी एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग. देन हमने कहा इट इज नॉट फ्राइडे टूडे, हमने यहाँ पे नॉट लगाया, यानी कि मेरी जो स्टेटमेंट थी वो नेगेटिव थी. देन हमारा क्वेश्चन टैग क्या था, इज इट, यानी कि हमारा क्वेश्चन टैग क्या था, पॉजिटिव था. यानी कि पॉजिटिव हो स्टेटमेंट देन क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव हो स्टेटमेंट देन हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, इट इज कोल्ड टूडे, इजंट इट, यहाँ पे भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे isn't it लगा, यानी क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगा. सो इट इज कोल्ड टूडे, आज ठंड है, isn't it, है ना. देन हमने कहा इट इज नॉट कोल्ड टूडे, आज ठंड नहीं है, देन हमने कहा इज इट, है ना, सिंपल. तो ये सिंपल सा रूल है क्वेश्चन टैग का. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. सो फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में इट का यूज होता है. सी, दिस या दैट होगा तो इट का यूज होगा, और अगर हमारा सेंटेंस दीज या दो से स्टार्ट होता है देन हमारे क्वेश्चन टैग में दे का यूज करना होता है. सिंपल, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, देन हमने क्या किया, isn't it, यानी दिस के लिए इट का यूज किया, दिस इज योर पेन, isn't it, है ना. देन दीज आर योर बुक्स, ये सभी तुम्हारी किताबें हैं, क्वेश्चन टैग aren't they, है ना, तो हमने दिस के लिए दे का यूज किया है. सिंपल, दिस इज योर पेन, isn't it, दीज आर योर बुक्स, aren't they, सिंपल. नेक्स्ट है आई एम अ गुड पर्सन, aren't I, देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, एम आई. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर आई एम स्टार्ट होता है सेंटेंस में देन अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, जैसे हमने कहा आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक गुड पर्सन हूँ, अच्छा इंसान हूँ, तो क्वेश्चन टैग में किसका यूज होगा, आर का यूज होगा, aren't I, आई एम के लिए किसका यूज किया गया, aren't I, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, आई एम अ गुड पर्सन, aren't I. और अगर आई एम स्टार्ट है और जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नॉट का यूज किया गया, जैसे आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं एक गुड पर्सन नहीं हूँ, तो क्वेश्चन टैग में सेम एम का यूज होगा, एम आई, सिंपल. आई एम अ गुड पर्सन, aren't I, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, एम आई, सिंपल.
और जो क्वेश्चन टैग का हमारा मेन रूल है वो सेम ही रहेगा, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सिंपल। नेक्स्ट है ही इज नॉट अ टीचर, इज ही, सेम, नॉट यानी नेगेटिव स्टेटमेंट, इज ही यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ही इज नॉट अ टीचर, इज ही, तो हमने क्या लगाया, इज ही क्वेश्चन टैग के लिए। देन शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, isn't she, है ना, तो हमने शी इज अ डॉक्टर यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो हमने किसके यूज किया, isn't she, नेगेटिव क्वेश्चन टैग का, यहाँ पे लगा इज ही और यहाँ पे isn't she, तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर पास्ट की बात होती है तो हमने कहा इट वॉज रेनिंग दैट डे, उस दिन बारिश हो रही थी, देन हम क्या कहेंगे, wasn't it, it was raining, बारिश हो रही थी, पॉजिटिव, देन wasn't it, नेगेटिव, सिंपल। सो ये आज हमने सीखा क्वेश्चन टैग बनाना। सो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं एंड क्वेश्चन टैग के इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, बट क्वेश्चन टैग बनाना हम आगे भी सीखेंगे और भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। As I have already told you कि हम step by step ही आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ग्रामर को समझना है, सिर्फ याद नहीं करना। So friends, thank you so much for watching my video. If you liked it, please do subscribe. Now I'll be back with the new lesson soon. Till then, you take care.